राम राम भाई सारा ने एक बार फिर से मंजीत अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हरियाणा की प्रमुख खबरें लिख के आए हैं 20 नवंबर 2024 की। चलो अब शुरुआत करते हैं। भिवानी, महेंद्रगढ़ और पानीपत में भी बारिश तक के स्कूल बंद, प्रदूषण बना वजह। सोनीपत के बाद रेवाड़ी में भी सभी स्कूल बंद, AQI पहुँचा 449, ऑनलाइन चलेंगी कक्षाएँ। अब रतिया पंचायत समिति चेयरमैन के खिलाफ लामबंद हुए सदस्य, 22 में से 16 सदस्य विरोध में। हरियाणा के मंत्री लिफ्ट में फंसे, 20 मिनट तक कैद रहे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, जांच के आदेश। डॉक्टर प्रियंका को डेंगू पर किए शोध के लिए मिला यंग साइंटिस्ट अवार्ड। हरियाणा में बनाई जाएगी महिला चौपाल, श्रुति चौधरी। शुगर मिलों में गन्ना पिराई शुरू होने में देरी ने बढ़ाई किसानों की चिंता। पंजाब में 81,808 पंचों ने ली शपथ, सीएम मान बोले अपने गांवों का आधुनिक विकास केंद्रों में बदलें। विधानसभा के अंतिम दिन हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 पास। हवाओं में जहर सोखने के लिए याद आया प्राकृतिक उपचार, मांग बढ़ी तो बाजार में पकड़ी रफ्तार। दिल्ली NCR पर छाई समूह की मोटी चादर, गोपाल राय बोले इसे हटाने के लिए करवानी पड़ेगी बारिश। विधानसभा सत्र 29 नवंबर से हंगामेदार होने के आसार, जाने क्या हो सकती है सरकार और विपक्ष की रणनीति। आज भी AQI 500 पर स्कूल कॉलेज बंद, फ्लाइट ट्रेन लेट, विजिबिलिटी पर भी दिखा असर। आपकी चुनाव तैयारी, भगवान व जनता हमारे साथ, बहुमत के साथ जीतेंगे आप, अरविंद केजरीवाल बोले। IPL नीलामी में उतरने वाले 5 उम्रदराज खिलाड़ी, जेम्स एंडरसन ने अमित मिश्रा को पीछे छोड़ा। द्रविड़ ने गिल को ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान नंबर 3 पर उतारने का समर्थन किया, बोले मैं शानदार खिलाड़ी। भारतीय टीम ने दृष्टि बांधी, T20 विश्व कप से नाम वापस लिया, सरकार ने पाकिस्तान जाने की नहीं दी मंजूरी। तो ये थी कुछ प्रमुख खबरें जो हम आपके लिए लिख के आए थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से जरूर करें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।